सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश। आपके हाथ कीमती, हाथ अपने ऊपर करो, शाबाश। आपके हाथ कीमती हैं, लेकिन आज परमेश्वर की नजर में जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं उनको प्रतिफल मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मैं आज आपके चरणों में आता हूँ, और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने आज इस समय परमेश्वर हाथ उठाए हैं, पवित्र आत्मा जी ये साइन दे रहे हैं कि परमेश्वर हम तुझे दंडवत कर रहे हैं, तेरा थैंक्स कर रहे हैं, परमेश्वर तेरी तारीफ कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, तूने हमें लंबी आयु दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें संभाल कर रखा। बहुत सारे लोग आज की शाम नहीं देख पाए, बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम है परमेश्वर, लेकिन तूने सच में पवित्र आत्मा इन लोगों को सही सलामत रखा और परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया। हम तेरा थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी चट्टान है। हर एक जन अपने मुंह से अंगीकार करे, कहे मेरा परमेश्वर तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा शरण स्थान ठहरा है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मुझे महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है, तू ही जिंदा आसमान पर काम करने वाला परमेश्वर है, तू इसी समय इन लोगों के बीच में हमारी गवाहियां बनाने वाला परमेश्वर है, तू ही हमें लोगों की नाम धराइयों से, तानों से पवित्र आत्मा सच में छुड़ाने वाला परमेश्वर है। yes. हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा, आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। yes, हमें क्योंकि ये लोग तुझे दंडवत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर। yes. जब इसराइली इकट्ठे होते हैं, पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है, जहाँ दो या तीन जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। मेरा परमेश्वर आपके बीच में हाजिर और नाजिर है, याद रखना। वो विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। बाइबल बोलती है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो थर्मी परमेश्वर है, वो आपको माफ करने में विश्वास योग्य है, वो आपके साथ चमत्कार करने में, आपके साथ बातें करने में, खाना खाने में, आपके साथ उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। yes. आपका चिल्लाना, आपका हालेलुया बोलना, हालेलुया, आपका गिड़गिड़ाना परमेश्वर सुन चुका है यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। एक वचन पढ़ रहा हूँ, सब निकालने अपनी पुस्तक भजन संहिता, उसका 56 उसका 7 स्क्रीन पर देखेंगे। अपनी बाइबल लाए हैं तो उठाओ अपने हाथों में और खुद पढ़ो। आज सब जन मेरे पीछे बोलेंगे, अपने हाथों को उठाओ, इसका मतलब होता है हैंड्स अप। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है परमेश्वर की हजूरी में आने के बाद, ये नहीं कहना कि मैं पकड़ा नहीं गया। परमेश्वर की हजूरी में आने के बाद आपको हाथ उठाने का मतलब है, परमेश्वर मैं अपने गुनाहों के लिए पकड़ा गया था, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर आज दिन भर में जो भी हमने गलतियाँ की हैं माफ़ कर, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है आज रात के बाद। आमीन। आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, लाली 8 है, 7 नहीं है। सारे बोले हालेलुया। 7 से ही पढ़ रहा हूँ। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। हालेलुया। हर व्यक्ति यही सोचता है कि शायद जिन लोगों ने मुझे ताने मारे हैं, जिन्होंने मेरी बुराई की है, कि परमेश्वर वो इस धरती पर से मिटा दिए जाएं, मेरे सामने से दूर हो जाएं, या उन्हें गिरा दे किसी तरीके से। लेकिन परमेश्वर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनता। परमेश्वर उनको हटाता नहीं आपके सामने से। किस लिए? वो इसलिए कि ताकि परमेश्वर उन लोगों को आपके बीच में रखे, कि वो देख सकें तुम्हारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। yes, amen. करें इसी के 8 में लिखा, करें कि तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मेरा परमेश्वर आपका हिसाब रखता है। yes. आप यूपी से आए, आप दिल्ली से आए, आप पटियाले से आए, राजपुरा से आए, शिमला से पहाड़ी उतर कर आए, आप चंडीगढ़ से आए, आप अपना तेल खर्च करके आए, टिकट लगा कर आए, आपको धक्का मिला, मुक्का मिला, पता नहीं क्या क्या मिला, रोटी मिली, पानी मिला, नहीं मिला, धूप में, गर्मी में, आप सड़ी हुई गर्मी में कुर्सी लेकर सबसे पहले आगे बैठ गए, कहीं मेरा नंबर ना काट दिया जाए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। आपका कोई काम नहीं बना, आप फिर भी परमेश्वर की नज़र में बहुत कीमती हैं, और आप फिर भी लोगों को जाकर गवाहियां देते हैं, बातें करते हैं लोगों के साथ, इधर उधर दाएं बाएं भागते फिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ। बोलो हालेलुया।
जो लोगों के बच्चे बीमार हैं या किसी के पास बच्चा नहीं है या कोई परेशान है, किसी भी प्रॉब्लम में है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई भी हल नहीं निकला आज तक, पवित्र आत्मा करे मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया। Yes, amen. आज कोई भी जन कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में रख लिया है। और भजनकार बोलता है, क्या मेरी चर्चा के दिन, मेरे कामों के दिन जो मैंने तेरे में बिताए हैं ईमानदारी के साथ, क्या इस पुस्तक में नहीं लिखे हैं? बाइबल कह रही है कि आपने जो धरती पर कमाया है, आपने जो धरती पर किया है, वो स्वर्ग की पुस्तक में लिख लिया है परमेश्वर। Yes, amen. जिन्होंने ताने मारे हैं, आपके नाम धराई किए, परमेश्वर हर चीज का हिसाब रख लेगा। आज से आपके आंसुओं को मेरा परमेश्वर पूछने के लिए जा रहा है। Amen. आपके मारे मारे भटकने का हिसाब परमेश्वर देगा इस हफ्ते में, यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बोया उसका हिसाब देगा परमेश्वर। आपने जो गवाहियां दी हैं, ताली बजाया, उसका हिसाब देगा परमेश्वर। आपके हाथ उठाने का, चिल्लाने का हिसाब रखता है मेरा परमेश्वर। आपका आधी आधी रात को घर जाने का हिसाब रखता है परमेश्वर। आपका हालेलुया बोलना, आपका सेवा करना, अपने बच्चों को करा के सेवा में दे देना, जो क्वायर में वॉलंटियर है, करा आप यहाँ पर खड़े हैं ईमानदारी के साथ, जो इस मिस्ट्री के साथ खड़े हैं, सबका हिसाब रखता है परमेश्वर देगा इस हफ्ते में, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि पवित्र आत्मा, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। एक मिनट स्टॉप। ओए, ये क्या झुंड बना के वॉलंटियर यहाँ पे खड़े हो गए हो? चलो अपने स्थान पे चलो। प्यार किया तूने मेरा उद्धार किया। अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर, मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूँ कि इस समय परमेश्वर कोई भी कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई भी अंधकार में, पवित्र आत्मा जी आज उजाला आने पाए उसके ऊपर, वो लाइट आने पाए परमेश्वर। Yes. तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए आज परमेश्वर। कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए पवित्र आत्मा। Yes. मिराइकल, मिराइकल इनकी लाइफ से होने स्टार्ट हो। मिराइकल वाली गवाहियां आनी स्टार्ट हो। बदल जाए परमेश्वर का घराना। Amen. बदल जाए इनकी सिचुएशन। Yes. इनके हालात बदल जाए, क्योंकि तो इनके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है परमेश्वर। इस हफ्ते में पवित्र आत्मा इनका हिसाब कर, इनकी ओर देख और इन्हें शांति दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाएं, जिसके पास बेटा नहीं है वो खड़े रहेंगे सिर्फ। मीरा भाई, हे मीरा भाई, आत्मा में मैं देख रहा हूं किसी को मीरा, कोई मीरा है यहां पर मीरा, जिसके पास कोई हाथ उठाए करो दूर से, कोई मीरा आगे फटाफट। अभी नहीं निकालना जब मैं कहूंगा, सरदार दो मिनट रुक जा। सिर्फ लेडीज, जिसके पास बच्चा नहीं है उधर से। हालेलुया प्रभु जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई मीरा भाई है और ये बहन बता रही है मेरा नाम मीरा है। गोरखपुर से। माइक कर, क्या नाम है? मीरा। हालेलुया। सुनो, मीरा कहाँ रो रही है इधर से? हमने कहा रोने के लिए? चुप हो जाओ, रोने के लिए थोड़ी बोला तेरे को। अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो मीरा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक मीरा है और उसके पास बेटा नहीं है। क्या आपके पास बेटा नहीं है? कोई औलाद नहीं है। जो सही बोलना, ऐसे लग रहा तोतली है तू। बच्चा कोई नहीं है। 6 साल हो गया आपको? 6 साल हो गए। तेरी शादी को कितना टाइम हो गया? 6 साल। जोर से तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाऊं और इस समय कहूं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तेरा कलाम मेरे लिए आज आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, ब्लेसिंग को देखेंगे। आमेन। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। अब इसको बताओ हम क्या कह रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड वुमेन। हम इंग्लिश में बात करेंगे आज। नहीं समझ पा रहे हैं। योर नेम इज मीना, मीरा। समझ तो रही है, कहे कह रही है समझ नहीं आ रहा है। सुन रही है, योर हस्बैंड नेम राम जान। हालेलुया 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 आमीन। डाली डाली तू बदतमीज ही रहेगा लगता मुझे, जहां मैं तेरा दो साल तेरा बयान नहीं कराता हूं। उसके बाप को टेंशन होगी। सुन इधर कर, हाँ ऐसे मत कर, बहुत सारे हैं यहाँ पर। आप आने दे भाई, कौन है? हाथ उठाए ना, वो हाथ उठाए, कौन है? हाँ शाबाश, आने दे। ग्रीन 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 ग्रीन। आपके पति का नाम राम जान, राम जान, राम जनम, राम जनम, राम जनम। हालेलुया 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 हालेलुया। यस, हाँ सुनो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपका पति आपसे कभी कभी करता है। ओए गुस्सा नहीं करना लड़के, थोड़ा भी अभी ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आकर सबकी पट्टी खुल जाती है, पॉल पट्टी। हालेलुया। वो कह रही है, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा नहीं, चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ उठाओ उठाओ उसको, उठाओ बेटे, उठो उठो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपका हस्बैंड आपसे कभी कभी करता है, समझ रहे हैं? जीसस लव यू बट नॉट नो हस्बैंड इज नॉट लव यू। थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी तेरी तरह था यूपी का। हालेलुया। बाकी लोग बैठ जाएं, अभी जिसके पास बच्चा नहीं है उनको वो तैयारी कर लें बस एक मिनट में। सुनो, जिस दिन आपकी शादी हुआ उस दिन से ही कहता है शैतान ने आपके घर पर प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दिया। ये आदमी के ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है। आज से जो काम करोगे आप सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी, पवित्र आत्मा करे इनके साथ प्रेम रखना है जी, आपको जी। और विश्वास करना परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो शराब वो ताने खत्म हो रहे हैं आज से। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है ऐसे। ओ, 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 ये कौन है? सोनू, दीदी का लड़का। हमारी दीदी का? तुम्हारी? हाँ सुनो, एक एक चीजें बता रहा हूँ, किधर किधर से ब्लैक मैजिक स्टार्ट हुआ, किधर किधर से मिठे में प्रॉब्लम आया, किधर किधर से चाय में प्रॉब्लम है, लड्डू में प्रॉब्लम है। तो हमने से लड्डू का शौकीन कौन है? लड्डू का मतलब लड्डू खाने का मन किसका करता है? ज्यादा 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 पसंद खाने का मन करता है, इसका ही करता है ना। हाँ यही है वो। हालेलुया। सुन, आज से लड्डू कम खाना। मेरे चर्च में एक आदमी आया, रेडी लगाता था वो, और मैंने उसकी प्रार्थना किया। पहले उसकी कमाई रेडी पे 10,000 थी, अब पता कितनी है? 60,000। हर महीने वो मुझे दशमांश देता है। एक बार आप बिजनेस सुनोगे उसका तो हंसोगे, उसका बिजनेस गोल गप्पे का है। मैं कह रहा हूँ इन औरतों ने उसके इतने गोल गप्पे खाए, हर महीने गोल गप्पे खाकर उसको 60,000 का मालिक बना दिया। सारे बोले हालेलुया। वो बंदा कहता है मैं औरतों की ज्यादा दुआ करता हूँ कि परमेश्वर इनको और आशीष दे। हालेलुया। तू लड्डू पे जोर है तेरा। मीठा मीठी चीजें जब आपके घर में आती हैं, जिसके पास बच्चा नहीं है ध्यान से सुनना, आपको थोड़े प्रेयर करके खाना है, ब्लेसिंग मिलेगा। अभी इसी समय एक स्नेक है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपको बच्चा नहीं होने दे रहा, ड्रीम्स में आता है। एक कोई पहले कंफ्यूज, मतलब कि कोई पहले जैसे गर्भ से हुआ फैमिली में और वो खत्म हो गया। हमारा हमारा नहीं, तुम्हारा। हाँ तुम्हारा।
तुम दोनों का हाँ, हाँ तुम्हारा खत्म हो गया प्रॉब्लम हाँ, हो गया हाँ, हाँ, हो गया लेकिन अब के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सीता गीता आसपास मैं कुछ देख रहा हूँ चीजें हाँ, हाँ, और रेखा देख रहा हूँ कुछ चीजें देख रहा हूँ हाँ, इसी समय सब कुछ आपकी फेवर में होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अभी से आप जाएंगे डॉक्टर के पास गुड न्यूज मिलेगा। 3 महीने के बाद छठा महीना जैसे शुरू होगा फेवर करेगा मेरा परमेश्वर आपका यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने हाथों को उठा और इसी समय निकल रही है वो गंदी स्प्रिट छोड़ दे लेडीज को मीरा को इसी समय छोड़ दे आउट मुंह खोल और चिल्लार निकल जा मुंह खोल और चिल्लार निकल जा इसके पेट से बाहर आ जा चल इसी समय गद को छोड़ दे चल मुंह खोल और चिल्लार निकल जा बाहर फायर आग आ रही है मीरा को बच्चा होगा राम और दोनों को राम और मीरा दोनों को ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में वो शराब इसके ऊपर से तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आमीन। जिसके पास बेटा नहीं है शाबाश कम एयर बताई दो अपनी पत्नी को हाथ मिला के बोलो गुड न्यूज तू माँ बनने वाली है। जिसके पास बेटा नहीं है लाइन लगा लो शाबाश पीछे होकर फिर से कहो कोर्स 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 हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। ये आदमी लोग हट जाओ वहां से आदमी लोग हट जाओ लेडीज के लिए बोला है आदमी लोग हट जाओ वहां से शाबाश। ये आप देख रहे हैं जिनके पास बच्चा नहीं है कैसे भेड़ों की तरह दौड़ती हुई आ रही हैं शाबाश चलो 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 गुड न्यूज। आप चाहे पहली बार आए निराश ना होना गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। फिर से गाएं गाएं शाबाश क्योंकि जोन दिया गल्ला तेरी कोरी ने तेनु छड़ के मैं जावा किते ना सेरी क्योंकि जोन दिया गल्ला तेरी कोरी ने तेनु छड़ के मैं जावा किते ना सेरी क्योंकि जोन दिया गल्ला तेरी कोरी ने तेनु छड़ के मैं जावा किते क्योंकि जोन दिया शाबाश। अगले 2 मिनट में दौड़ कर आओ शाबाश सबके सब। जिसके पास बच्चा नहीं है लाइन लगाओ शाबाश फटाफट फटाफट। आपको ऑयल मिला है जितनों को ऑयल मिला है निकालो हाथ में पकड़ो शाबाश ऊपर करो शाबाश। जिसके पास नहीं है ऑयल और मिल जाएगा आपको एक दूसरे को देना है। मैं प्रेयर कर रहा हूँ और अभी आज ये ऑयल लेडीज लोग ऊपर उठाओ जेंट्स जिसका बिजनेस बंद है जिसके कारोबार में कुछ नहीं हो रहा मैं कह रहा हूँ कि फटाफट निकालो शाबाश। याकूब की पत्री लाली फिर से कहूँ तू ही ने मुझे प्यार किया तू ही ने मेरा उद्धार किया दौड़ते हुए हमारे बीच में आ यीशुआ यीशुआ। सुनो सुनो ध्यान से सुनो इसको 14 से लेकर 16 तक दिखाते रहना। कह रहे कि यदि तुम में कोई रोगी है याकूब 5:14 में लिखा 5:14 में यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए कलीसिया के पास्टर को बुलाए। सुन रहे हो कि नहीं इसके हिंदी में समझा रहे हैं आपको। यदि तुम्हारे में कोई रोगी है आपके घर में अगर कोई बीमार है घर बैठकर ठीक नहीं होने वाला वो फिर कह रहा हूँ अगर तुम में कोई रोगी है बीमार है
कह रहा तो कलीसिया के प्राचीनों को पास्टर को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी आज। आमीन। समझ में आया? दूर है नहीं तो इंग्लिश में भी पढ़ देते हम। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना। आप चर्च में खड़े हैं अनॉइंटिंग प्लेस पर, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। आपकी समझ में आया? आज क्या करना है आपको? आप सब लोग अब हाथ उठाएंगे, बैठकर हाथ उठाओ, इसी समय खड़े रहें बाकी अभी इसी समय, और इसी समय एक दूसरे के सामने आप परमेश्वर के भवन में खड़े हैं। अगर काम बंद है, कोई भी हल नहीं निकल रहा, आज हल चलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बंजर भूमि पर हल चलाया जाएगा आज। आपको इस समय कहना है परमेश्वर, मैंने जो भी कोई अपराध किया है मुझे क्षमा कर, मेरे कामों को खोल दे आज, मेरी जिंदगी में आशीषें दे परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू आज हमें चंगा करेगा, हमारे कामों को बनाएगा, हमें बरकत देकर जाएगा। मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। तेरी प्रार्थना में ताकत है परमेश्वर, मेरी प्रार्थना में ताकत है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, मेरी मदद कीजिए, मुझे आज उद्धार दिलाइए, मैं आज यहाँ से अपनी चंगाई बरकत को लेकर जाना चाहता हूँ, मेरे कामों को खोल दे परमेश्वर, विश्वास करना है, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हु गिव्स मी स्ट्रेंथ, जो मुझ में होकर करें कि परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर काम कर रही है, आज आपके ऊपर उतरेगी शमसी के नाम में। हर जन कहे आमीन, हर जन कहे आमीन। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसके मुंह करके उसकी ओर, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, आपका रिश्तेदार है पड़ोसी है उसकी ओर मुंह करके उसके लिए दुआ करो। दो मिनट सब शाबाश दुआ करो, शाबाश प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए, परमेश्वर इसको आशीष दे, पवित्र आत्मा जो मेरे बाजू में खड़ा है, परमेश्वर बाजू में बैठी है, पवित्र आत्मा इसकी जो भी कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई कर्ज है, आप हाथ पकड़े मेंबर एक दूसरे का। यूसुफ तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई भी काम खुलवाना है, बरकत चाहिए, फाइनेंस चाहिए, आप एक दूसरे के लिए, वचन में लिखा जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर जल्दी उत्तर देगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पकड़ो हाथ एक दूसरे का, बोलो उसको, बोलो कि इस समय परमेश्वर जो मेरी बाजू में बैठा है पवित्र आत्मा इसके कामों को खोल दे, पवित्र आत्मा इस चर्च पर दया कर, अनुग्रह कर, ग्रेस कर, अपनी ग्रोथ को उतार पवित्र आत्मा जी, आज से इनके फाइनेंस में ग्रोथ होने पाए, इनके बिजनेस में ग्रोथ होने पाए, इनके सच में पवित्र आत्मा आज से स्पिरिचुअल जीवन हो जाए, इनकी प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए आज से, इन्हें वचन का ज्ञान मिलने पाए परमेश्वर, हर आशीर्वाद इनके लिए खोल दिया जाए, हर एक बरकत इनके लिए खोल दी जाए यीशु के नाम में। जिनके पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर आज पवित्र आत्मा सच में बांझ औरतों को बच्चा देने पर, इनकी सच में पवित्र आत्मा विनती को सुन ले आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु जी लोगों ने अपना ऑयल हाथों में उठाया, मैं पिता परमेश्वर उस ऑयल को पवित्र आत्मा जी आज इस समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में उठाता हूँ उस ऑयल को, और इसी समय मेरे प्रभु जी जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च में बैठे हैं, पिता परमेश्वर जिनको भी ये ऑयल फ्री में दिया गया है, पवित्र आत्मा इसी समय जब ये ऑयल अपने माथे पर लगाएं और जो औरतें बांध जाएं वो अपने पेंट पर लगाएं, मेरे पिता गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, मेरे प्रभु इनके बच्चे हीलिंग देखने पाए, इनके परिवार में हीलिंग होने पाए परमेश्वर, आश्चर्यकर्म बड़ी बड़ी टेस्ट मनी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये सब लोग ऑयल खोलकर अपने हाथों पर अपने पेंट पर लगाओ, शमाश उधर मुंह करके ऐसे लगा लो शमाश जल्दी से। रुआ, रुआ,
पर लगाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसी समय लगाओ अपने माथे पर, और इसी समय अच्छे से लगाओ अपने माथे पर, अपने पेट पर, जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम है इस समय। अपने सिर आपका वो है जहाँ से, और पेट वो है जहाँ से आपकी बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं और सिर पर आकर बैठती हैं, बोझ है उतर जाएगा। पेट पर, सिर पर आप लगा सकते हैं, आदमी लोग सिर पे लगा सकते हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर जिन लोगों ने ऑयल लगाया आज इसी समय ब्लेसिंग आने पाए। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, बवासीर जाए, यूरिक एसिड जाए, आंखों की रोशनी बढ़ जाए आज। गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कान खुल जाए आज। सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, लंगड़ापन जाए, गिल्टियां जाए, ब्रेस्ट में से रसोलियां जाए, फीवर जाए, थायराइड जाए, यूरिक एसिड जाए, फिट्स पड़ने बंद हो जाए, दौरे पड़ने बंद हो जाए, मिर्गी के दौरे बंद हो जाए, एलर्जी जाए, खून में से इंफेक्शन खत्म हो जाए, खून घटाने वाली आत्मा बाहर जाए, कर्जा डालने वाली आत्मा बाहर जाए, आपको छोड़े इसी समय आजाद हो आज परमेश्वर। मैं हाथ उठाकर विनती करता हूं, जितने लोगों ने ऑयल लगाया है परमेश्वर, पुराने समय में जब किसान लोग अपने पशुओं पर, उनके सिंगों पर ऑयल लगाते थे, वो कीटाणु मर जाया करते थे। मेरे पिता जो आज प्रार्थना वाला ऑयल इनके ऊपर लगाया है, इनके सिर से, पेट से, वो बीमारी वाले, निराशा वाले कीटाणु मर जाए आज। आमीन। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु के नाम में आमीन। तेरे घर में मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा। हालेलुया। चंगाई को खोल रहे परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, ऊंचे करो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करो, ऊपर करो, शाबाश। ऊपर करो, ऊपर, और ऊपर की ओर देखो आज। सब लेडीज जिसके पास बच्चा नहीं हो, ऊपर देखो शाबाश। बोलो, परमेश्वर मैं तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाना चाहती। बोलो हालेलुया, मुझे बच्चा दे। फटाफट माइक ले ओ, फटाफट माइक ले, मुझे बच्चे की आशीष दे। बोलो यीशु मसीह के नाम में, मैं इस बार यीशु मसीह के नाम में आशीष लेकर जाऊंगी। बोलो आमीन। अपने हाथ पकड़ो इसी समय, और आपने आपके अंदर यीशु के नाम को बोलने के लिए अगर ताकत है तो आज वो अपनी ताकत दिखाएगा आपको। आपके ताने, आपकी नाम धराई आज से बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज ये ऑयल आपके पेट में जो लगाया है, सिर पर लगाया है, आपको गुड न्यूज दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। उठाओ हाथ, एक जोर से, दो, तीन, यहाँ गया यीशु, फायर, प्लीज। यीशु तेरे घर में मसा। आओ अपने पेट पर हाथ रखो, उठेगा नहीं कोई। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं गुड न्यूज मिलने पाए। सुनो, बोलो आमीन। लेटर हो, लेटर हो, आपको पता है यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो एक एक कब्र में से नाम लेगा, कब्र में से बाहर निकालेगा। ये रूपा देवी कौन है? रूपा तुम्हारे में खड़ी हो जा। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर। नाम ले रहा हूं। हाँ शाबाश, उठ जाओ, उठ जाओ, अपने हाथों को उठाऊं। और शाबाश, क्या नाम है, क्या नाम है? बबीता। रूपा, रूपा, मेरी भाभी का नाम है। हाँ, रूपा, रूप, रूप, संतोष, संतोष। मेरी भाभी का, इस तेरी सास का नाम? संतोष, संतोष, संतोष नाम है पुराना तुम्हारा। हाँ हाँ, बेटे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। मनोज, किसका घर वाला? मनोज, 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 मेरा पापा जी। हम कैसे कह रहे हैं? मेरे पति का नाम पापा जी। हम भी यही कह रहे हैं। क्या नाम है? मनोज। गुड न्यूज दे देना मनोज को आज। योर हस्बैंड नेम मनोज, नवंबर मंथ, प्रेगनेंसी मंथ, गुड न्यूज। बोल हालेलुया, बेबी बॉय मिलेगा, बेबी बॉय। आपको पता है, आप लोग सोच रहे हैं कि शायद ऐसे ही बुलाया मुझे,
परमेश्वर आपके नामों को जानता है। सुनो, बबलू कौन है? बबलू तुम्हारा पति है। बबलू उसको जाकर कह देना, बबलू को आया यहाँ पर, आया है बबलू, तू बाप बनने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा मसा, ला 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 हालेलुया। फटाफट फटाफट बोल दूं, फटाफट बोल दूं, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, मीना मीना मीना, मीनू मीनू, हाँ थोड़ा इकट्ठा हो, शाबाश, जल्दी 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 माइक लेके। हाँ किसका? मेरा मीनू नाम है। मीनू बेटा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरा नाम क्या है? पायल। पायल तो अपनी माँ को बोलती है ना मीनू, रख देती तेरा नाम। सुन ध्यान से, जिसका नाम पुकारा हूँ, क्या नाम है? ए, मीना 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 मीनू मीनू, हाँ माइक कर फटाफट। है मीना मीना, इसी समय परमेश्वर आपको ऊपर अनुग्रह कर रहा है। देखो मैं फटाफट कितने लोगों के नाम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सुनो सुनो, अब इसी समय सोनिया 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 सोनिया, माइक कर माइक कर, हाँ सोनिया, हाँ सोनिया, तू रो सोनिया, तू रो रो कर थक गई है, बच्चा नहीं हो रहा है, जगह जगह जा रही है तू। परमेश्वर ने आज तेरे नाम को पुकारा, करा मैं तेरे आंसुओं का हिसाब दूंगा तीसरे महीने के अंदर, आउट, निकल जाओ उसके अंदर से। इसी समय गुड न्यूज मिलेगा। सोनिया 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 मीनू, हाँ हाँ, गुड न्यूज गुड न्यूज, इसके नाम ले रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम। आमीन, गुड न्यूज। राजू राजू राजू, जिसका राजू है, राजू, हाँ राजू, हस्बैंड हस्बैंड नेम, पापा मेरा नाम है राजू, मेरा नाम पापा जी, क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम है पापा जी। रज्जो जी, आपका नाम क्या है? रज्जो रज्जो, ओ रज्जो रज्जो, अपना पर्स छोड़ के ऊपर आ जाओ, शाबाश, तू तू तगड़ी सी है, ऊपर आ जाओ, शाबाश, चढ़ जाओ ऊपर, शाबाश, ओ रज्जो, चढ़ाओ इसको। सारे बोले हालेलुया। तुमने तो उसको गद्दे की तरह घेर दिया। उठो शाबाश बेटे, हाथ उठाओ, हाँ हाँ, क्या नाम है, क्या नाम है? पापा जी, मेरे पापा जी, पापा जी, रज्जो, जो गुड न्यूज गुड न्यूज, बेटा जनोगे, बेटा जनोगे यीशु मसीह के नाम में। ये खुशखबरी आपके लिए, गुड न्यूज है, सब सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे। जो जो करके डेमोस डेमोस पैर छूने, जुराब ले जाओ अपने घर, कल नवी ले आना, लो वापस दे देना, वापस दे दिया। बहुत वो करती पापा से बात। हालेलुया, विश्वास करना है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डिवोर्स कैंसल कैंसल कैंसल, बहुत सारी चीजें जो लोग आपको छोड़ना चाहते हैं कि भाई बच्चे के कारण, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। रज्जो कितने साल से बच्चा नहीं है? 15 साल हो गए पापा जी। हिसार ब्रांच से, हिसार ब्रांच से 15 साल से बच्चा नहीं है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहते कि एक ब्लैक मैजिक आपके आसपास घेरा डाल रहा था, इसलिए कहते कि प्रॉब्लम थी आपके यूट्रस में, आपके पेट में, स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अभी इसी समय हीलिंग मिलेगी, वो निकल रहा अंदर से, आउट, निकला बाहर, आउट, निकला। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कारण है, ये जादू टोने होते हैं, ब्लैक मैजिक है। वो देखो, वो अपने पेट को पकड़ रही है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, शैतान बच्चा नहीं होने देता। इसी समय फ्री होगी यीशु मसीह के नाम में।
आप जाते हैं डॉक्टरों के पास, इलाज नहीं होता, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज, बहुत जल्दी परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलने के लिए जा रही है। अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से तारीफ करो, जोर। दुखां दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा। याकूब दा खुदा दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। यहोवा है, 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 यहोवा दुखां दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा। याकूब दा खुदा दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, 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 हाथ उठा कर। आनंद मिलता है हमें, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है हमें, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है हमें, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, 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 क्या मिलता है? आनंद मिलता है हमें, आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है हमें, आनंद मिलता है। तो दुबांगू जी नच नच के, तो दुबांगू जी नच नच के, तो दुबांगू जी नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे। उचते हुए बहुत वांगू जी नच नच के, 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 दौद वांगू जी नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। बोलो 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 यीशु दी जय 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 जय, जिंदा पा I'm a
झूमेंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु दी जय 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 जिंदा बा झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, झूमेंगे तेरे लिए। एक साथ होकर बोलो 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 यीशु दी जय 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 जय। तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करता है प्यार बंदिया ओ नच दाऊद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, ओ नच दाऊद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, जे तू यसुनु करता है प्यार बंदिया ओ नच दाऊद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया ओ नच दाऊद वांगू नाले ताड़ी मार बंदे हालेलुया। पाशी लाइन लगी हुई है, सालों साल से इनकी फैमिली में नशा करते थे, चर्च आए एनॉइंटिंग ऑयल एंड वाटर लेकर गए और प्रोफेसी को रिसीव किया, आज बता रहे हैं नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, तू ना बन तेरा शू लेना, जिंदगी बदल देता है, तू ना बन तेरा शू लेना, जिंदगी बदल देता है। कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मैं 16 साल से तंबाकू खाता था और मैंने प्रे टावर पे कॉल किया और प्रेयर करवाई और मैं बिल्कुल आजाद हो चुका हूँ नशे के बंधन से। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हाँ। सारे कलीसिया को जय मसीह की, मेरा नाम फिलोमिना है और मैं अपने पति के धोखे देने के बाद मैंने नशा स्टार्ट कर दिया था। नशा करते करते मैं, ये मेरा बेटा है, नशा करते करते मैं रैन बसेरे पहुंच गई, मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। एक बहन मुझे मिली जिनका नाम रजनी है, उन्होंने मेरी मदद की, मुझे ये कपड़े भी उन्होंने ही दिए हैं और उन्होंने मेरे एक अच्छा घर भी ढूंढा है। मैं अब रैन बसेरे से मैं अपने घर में भी जाने वाली हूँ और मैंने नशा भी छोड़ दिया है। मैं उन बहन को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की है और वो उन्होंने मुझे पापा जी के यहाँ पे लेकर आई, उनके लिए लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, नहीं तो मैं नशे से कभी छुटकारा नहीं पाती। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे। परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे जोरदार ताली के साथ। आम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ, जोरदार तालियों से जोर से यीशु दे दीवाने। हालेलुया, आम दीवाने नहीं, ग्लोरी टू जीसस, यीशु दे दीवाने आ, आम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ। ओ दे ले जीना मैं, ओ दे ले जीना मैं, ओ दे ले को देवा, ओ यसी आम, ओ यसी आम दीवाने नहीं, ये तू दे दीवाने आ, असी आम दीवाने नहीं, ये तू दे दीवाने आ, ओ यसी आम दीवाने नहीं, ये तू दे
सब लोग बैठ जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। जो लोग परमेश्वर का दास का आदर कर रहे थे, प्रभु ने 100 गुना बरकत दे। हाँ हाँ, शाबाश, गवाही के साथ। हालेलुया, प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही कि एक्सीडेंट के कारण इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया कि बच नहीं पाएंगे, लेकिन विश्वास के साथ जब ये चर्च में आए, यहाँ से एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर के यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया, गवाही के साथ शाबाश, गवाही देंगे बेटे। मेरे एक्सीडेंट सारे मुकसलिया जाए मसीह की, मेरे एक्सीडेंट हो गई थी पापा जी, डॉक्टर ने जवाब दे दी थी और दिल्ली से बाहर भेज दिए थे, तो फिर मैंने प्रार्थना करवाई यहाँ से और चंगी हो गई हूँ। कहाँ से आए आप? मैं बादली से, हैदरपुर से आई हूँ। बादली हैदरपुर से, एक्सीडेंट हो गया था आपका? हाँ, एक्सीडेंट। रिपोर्ट दें इसके पास। और कैसे ठीक हुए बेटे? मैं प्रार्थना भी कराई थी और तेल पानी लगाई थी। तेल पानी दिल्ली में नहीं मिलता क्या? हाँ मिलता है, या वो वहाँ क्या बोलते हैं, प्रार्थना का, प्रार्थना का ऑयल पानी लिया और ये बहन चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी शाबाश। हाँ हाँ, फटाफट गवाही। हालेलुया, प्रभु जी बहन बता रहे हैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, चर्च आए, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो। शाबाश, गवाही के साथ, गवाही के साथ। आप गवाही सुनें, गवाही बताएं बेटे, बेटे जो गवर्नमेंट जॉब की गवाही। मैंने ना स्पेशल लैंड प्रेयर कराई थी तो उसमें मुझे आशीष मिली और मेरी बेटी क्या आशीष मिली आपको? गवर्नमेंट जॉब की स्पेशल लैंड प्रे कराई इस बहन ने और गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली, बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ अपने हाथों को उठाऊं, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है चर्च, अपने हाथों को उठाओ, अमीन बोलने वाले, गवर्नमेंट जॉब के साथ। चलो एक छलान गा के बैठ जाएं, शाबाश, जोर से तारीफ करें, शाबाश शाबाश, बस बस खड़े रहें, खड़े रहें। हाँ हाँ, ये आज आप सब देख सकते हैं परमेश्वर ने आशीष दिया इन सबको। ये बच्चे 3 साल से BTH कर रहे थे, 3 साल से प्रे टावर में सेवा कर रहे थे, कुछ लोग सुसमाचार में, और इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी और इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, परमेश्वर इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ये इवांजलिज्म, ये किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इवांजलिज्म का काम कर सकते हैं, हालेलुया। ये अब टीम आपके घर में आया करेगी प्रार्थना करने के लिए, बोलो हालेलुया। आप भी अगर अपने बच्चों का नाम लिखवाना चाहते हैं, मैंने क्या कहा था यहाँ पर, हमने पुराने चर्च में कॉलेज खोला है प्रोफेटिक कॉलेज, आप सब आ सकते हैं, कोई 3 महीने कोई 6 महीने अलग अलग कोर्स हैं, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री कर सकते हैं, आप बाइबल कॉलेज खोल सकते हैं, आप BTH कर सकते हैं, आप पास्टर बन सकते हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ सेवा करना चाहता है वो सीख कर इवांजलिज्म का काम कर सकता है, अपनी ब्रांच खुलवा सकता है वहाँ पर, हमारी ब्रांच अपनी नहीं। सारे बोलो हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे, बोलो हालेलुया। आइए हम सब इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाएं, शाबाश, आपके आशीर्वाद चाहिए, आप जब आशीर्वाद देते हैं लग जाता है, ये लोग सारी जगह जाकर प्रभु का काम करें यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो इन बच्चों ने पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर ईमानदारी के साथ सेवा किया पिता परमेश्वर, और इन्होंने जो सच में पवित्र आत्मा जी बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं की हैं पिता परमेश्वर, और जो सच में वचन से सीखा है मेरे पिता परमेश्वर, आज से एक नया अभिषेक इनके ऊपर ट्रांसफर होने पाए, नए अभिषेक के साथ खड़े हों यीशु मसीह के नाम में।
जगह जगह प्रभु तेरे सुसमाचार को फैलाएं और पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। और मैं एक और लड्डू खिला रहा हूं, बाकी सब आप आगे जाके खा लेना, ले बांट दो सबको। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। आपके साथ अगले हफ्ते हम खाना खाएंगे हीलिंग क्रूसेड के बाद। जाएं शाबाश, जोर से तारीफ करें, शाबाश। जाएं जाएं। ओ यसियाम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ, असियाम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ, ओ दे ले जीना मैं, ओ दे ले जीना मैं, ओ दे ले ओ यसियाम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ, असियाम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ, ओ यसियाम दीवाने नहीं। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, हालेलुया। हाँ हाँ, प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही कि एक साल से यूट्रस में सिस्ट थी इनको, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था कि आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा, लेकिन विश्वास के साथ इस बैंड ने स्पेशल बीज बोकर 7 अप्रैल को लेहन प्रेयर करवाई, और प्रेयर के बाद बता रहे वो कांट धुआं बनकर उठ चुकी है। परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया। मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। खुल जाओ हालेलुया। हाँ बेटे, कहाँ से आए बताएंगे, शाबाश। जी मैं दिल्ली से आई हूँ, शाद्रा। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे एक साल से यूट्रस में प्रॉब्लम थी, मुझे बार बार मतलब दर्द होता था, और डॉक्टर ने बता रखा था ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। एक साल से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, मैं बार बार डॉक्टरों के पास भाग रही थी। डॉक्टरों ने बोला कि आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा, सिस्ट है, उसमें ब्लड इकट्ठा हो रखा है जो बहुत गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। तो मैंने यहाँ पर आके ले हैंड प्रेयर करवाई पास्टर जी से, और मुझे चंगाई मिली। और जिन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करा उन्होंने भी, वो भी मतलब बहुत अद्भुत, मतलब वो मुझे बार बार देखने लगी। अभी तो पिछले हफ्ते अल्ट्रासाउंड करवाया था, और ये मतलब ऐसे कैसे चमत्कार सा हो गया तुम्हारा। मैंने कहा आपको, मैंने लेटने से पहले ही बता दिया था कि मेरी आप टेस्ट करो, उसमें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। तो वो टेस्ट करके जैसे ही उन्होंने शुरू करा, तो उसके अंदर वो बार बार टेस्ट कर रही थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है, धन्यवाद। कहाँ से आए आप बेटे? मैं दिल्ली से। ये दिल्ली से आई है और बता रही आपको यूट्रस में सिस्ट थी। सिस्ट? हेलो, यूट्रस में सिस्ट थी आपको? मुझे यूट्रस में सिस्ट थी। और जब आपने प्रेयर कराई? हाँ जी। उसके बाद रिपोर्टें नॉर्मल हो गई? मैंने एक हफ्ते में ही, मतलब मैं संडे को आई थी और मैंने फ्राइडे में अपना ये टेस्ट करवा लिया था। ऑयल वाटर लिया था आपने? हाँ जी, स्पेशल ले एंड प्रे कराई थी। स्पेशल प्रे करवाई थी, स्पेशल ले एंड प्रे कराई। और ये बहन बता रही है कि आज गवाही के साथ हैं, डॉक्टर भी हैरान है कि एक हफ्ते में रिपोर्ट कैसे पलट गई। इस बहन ने कहा हमारा यीशु मसीह बहुत बड़ा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि वो आफ्ता नु देवेगा टाल टाल टाल। 3 बार बोलो, आफ्ता नु देवेगा टाल टाल टाल, आफ्ता नु देवेगा वो टाल टाल टाल, ओते आफ्ता नु देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये मोटे मोटे से लोग कहां से आ रहे हैं भाई आज? प्रोफेसर जी लाइन लगी हुई है। सालों साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहते थे, नहीं थी, चर्च आए, आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई, अपने नाम लेकर प्रोफेसी किया था, आज लाइन लगी हुई है, सबको बेटे मिले। वो दित्ता जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, दित्ता जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। आरी 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 यसूदेया लोकां दी बस यसु मसीह नाल यारी, यसूदेया लोकां दी बस यसु मसीह नाल यारी। हालेलुया,
यार मैंने ये तो इंजॉयमेंट खराब कर दिया। इधरा 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 जल्दी देखो आपको डांस, आप सब लोग बैठ जाओ शाबाश, एक छलांग लगा के बैठो, आपको बैठो 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 शाबाश, नीचे बैठ जाओ, आपको देखना है अभी। इधरा बहन, इधरा तू यहाँ खड़े हो, कौन है इसके साथ, चलो कहाँ से आए तुम, क्या गवाही है तुम्हारी, बेटा हुआ इनको कितने साल बाद है, रुको रुको, सात साल के बाद, सुन रहे हो दिल्ली से भाई साहब, देख लो सारे इकट्ठे हो गए मोटे मोटे, हाँ हाँ गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे, बताओ शाबाश, नहीं पहले हाँ बता बता पहले बता, पहले दो बेटियां थी मेरे, हाँ हाँ, तो मैं स्पेशल ले हैंड पास्टर जी से हमने करवाई, तो उसके बाद ये बेटा हुआ है, स्पेशल हैंड पे कराई थी, माइक ऊपर करो, स्पेशल हैंड पे करवाई, कितने साल से बेटे नहीं थे, तीन साल से कोई बेटा नहीं था, जी जी जी, और देख लो करें के इसने स्पेशल एंड प्रे कराई और बेटे के साथ है, बेटे के साथ तो आए आए भाई साहब पूरा गांव में उठा लाए, देखियो खुशी है इनके अंदर है ना दिल्ली के, और भाई बाकी सारे उधर हो जाओ, और जिसकी बहू ननान जठान सारे इधर आ जाओ, अबे हट ना, हट जाओ, चल इधर आप बहन जी, बच्चे पीछे हो, बच्चे पीछे हो जाओ ना, तू अपने आप करके बच्चे पीछे हो जाओ, किसकी, मैं आप पास्टर जी ने बोला था कि ये मार्च में होगा, तो 30 मार्च हो गए थे, तो मैं सोचा कि अब कैसे होगा कि 30 मार्च के पापा जी ने वो बनाई हुई है भविष्यवाणी की हुई है मार्च की, अब 30 मार्च आज हो गया, ऐसा ना हो कहीं भविष्यवाणी बेकार ना हो जाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा, और उसी दिन 30 तारीख को हमने खूब प्रेयर की और शाम को 6:30 बजे 30 मार्च को हो गया। नच तो वांगू नाले ताड़ी मार बंदे
ਬੰਦਿਆ ਨੱਚੀ ਦੌਲਤ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਹ ਨੱਚੀ ਦੌਲਤ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਆ ਪੂਰਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼